सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, गुरुग्राम में एक स्कूली छात्र की कथित हत्या के संबंध में चल रही सीबीआई जांच पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने प्रद्युम्न हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार तीन लोगों को शनिवार को हिरासत में लिया। रेलियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले 7 साल के प्रद्युम्न की बीते 8 सितंबर को स्कूल में ही कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार, रेलियान इंटरनेशनल समूह के क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जीएस थॉमस की कोर्ट से हिरासत मांगी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, गुरुग्राम में एक स्कूली छात्र की कथित हत्या के संबंध में चल रही सीबीआई जांच पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने केंद्र से अधिसूचना मिलने के बाद शुक्रवार को गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या की जांच की जिम्मेदारी संभाली थी। गुरुग्राम के भोनसी थाना में NIPC के तहत हत्या, शस्त्र अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।